अनुभूति होती है। अरे भाई मैंने क्यों इस बात को बोला ऐसे नहीं होती क्योंकि आपने उसका आर्थिक अच्छा जी नहीं पता उसमें फिर देखिए लगातार बोल रहे हैं क्योंकि आप रट्टा मार के एक मिनट आप भी रट्टा मार के कई बातें बोलते हैं छोड़ दीजिए इस बात पे रट्टा मार के कौन क्या बोलता है समझते हैं डिबेट सुनने वाले दर्शक सब समझते हैं। अब भाई अरे 1,000-2,000 करोड़ मिले तो लगे के हिंदुस्तान का नेता 100 करोड़ हाँ नेतागिरी पे कलंक है कलंक हो गई रहा मैंने नहीं रोका रहा अब सनातन का मूल जो है सनातन का मूल रिक्वेस्ट करता हूँ दीपक जी सुनिए नहीं नहीं दीपक जी मेरी एक रिक्वेस्ट है जी बोलिए बिल्कुल बोलिए सीरियस डिबेट होनी चाहिए इसमें किसी को रायता फैलाने का अनुमति नहीं होनी चाहिए मैं कहता हूँ जब दूसरे लोग बोल रहे हैं मेरा फिगर डाउन रखा रहा है लुंगी में मिर्ची गाय को लग रही है अभी मजा आएगा ना भिड़ो पूरा होने दीजिए उसके बाद जो होगा बोलिए इसी सनातन धर्म में करेंगे डिस्कशन भगवत गीता पे आज हर अध्याय पे करेंगे क्या वर्ण व्यवस्था है या नहीं है भगवत गीता में बताइए सुधांशु त्रिवेदी औरतों का इंटर वर्ण व्यवस्था कहां पे नहीं है बताइए दुनिया में एक जगह बताइए जहां पर की इंप्लाई से ऊपर इंप्लाई की हैसियत ना होती हो बोलिए असुरिया मैं जवाब देता हूं बिल्कुल सुनिए मैं विवेक श्रीवास्तव को जवाब देता हूं सुनिए मर्यादा रखिए अबे साले भगवत गीता उसको जस्टिफाई हां बोलिए श्लोक पढ़ के बताओ अरे बताइए श्लोक पढ़ के बताओ श्लोक बोलो विवेक श्रीवास्तव श्लोक बोलो बोलो कहां लिखा है बोलो श्लोक बोलो अरे बोलो ना बोलता है चिल्लाते चले जा रहे हैं सब क्या देखना पड़ रहा है बाहर गजब की सांप लेवल की लड़ाई है और अंदर आकर भारत में दोनों मिलकर क्या कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं इस नैरेटिव के माया जाल को समझिए चुप हो जा सातवीं फेल चुप हो जा सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे विवेक जी अब आप बोलिए ना कि अब सुनिए क्या मैंने आपको नहीं बोलने दिया कुरीतियों के बारे में बोला ना विवेक जी आपने बोला ना मन भर के बोलो आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है भाई मैंने कहा और ये चाहिए या नहीं चाहिए ये विदेशी आक्रमण के बाद आई है भारत में कभी महिलाओं के साथ संबंध नहीं होता था युद्ध हारने या जीतने के बाद इसका प्रमाण है रामायण महाभारत के युद्ध से लेके विक्रमादित्य के जमाने से लेकर कभी नहीं ऐसा ही होता है सब कुछ करने लगे रायता फैलाने लगे। अच्छा सुनिए विवेक जी अब एक फैक्ट बता दूं नहीं नहीं आप तो कह रहे हैं ना कि सती प्रथा थी और हिंदू समाज का चलिए अब मैं बोल लूं भाई अब आप इतनी देर बोल चुके मैं बोल लूं विवेक जी आप लगातार बोल रहे हैं बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मेरा गजब बेइज्जती है क्या बात है गुड शॉट लेट मी अप विद अ प्राइस माय लॉन नाउ